कंप्यूटर की फील्ड्स में अगर आपको करियर बनाना है तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि करेंटली कंप्यूटर में कौन से ऐसे करियर है जिनकी डिमांड्स हर रोज बढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गोसाई आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल .NET Institutes में। और आज की इस वीडियोज़ में मैं आपके लिए कंप्यूटर करियर के 5 ऐसे करियर लेके आया हूँ जिनकी डिमांड्स हर साल बढ़ रही है। जी हाँ, कंप्यूटर में ये 5 ऐसे करियर हैं जो हर कोई स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। मैं इसमें कोई कम्प्लीटली कंप्यूटर साइंस वाले करियर की बात नहीं कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ऐसे करियर हैं जो स्पेशली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग स्ट्रीम से हैं, कोई आर्ट से है, कोई कॉमर्स से है, वो अगर अपना करियर कंप्यूटर्स की फील्ड्स में बनाना चाहते हैं तो कौन से करियर हैं जिनकी डिमांड्स हर साल बढ़ रही है। तो इस वीडियो में 5 ऐसे करियर आपको दे रहा हूँ जो आप कर सकते हो, और आप चाहते हो अपना करियर कंप्यूटर की फील्ड्स में बनाना तो आप इस वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखो और चेकआउट करो कि इन 5 में से कोई एक ऐसा करियर है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने करियर को प्लान करके उसमें आगे बढ़ सकते हो। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जैसे आपने अपना 12th कंप्लीट किया उसके बाद आपको एक प्रॉपर करियर अपने लिए चुनना चाहिए जिसमें कि आप अपने करियर को बहुत आगे लेके जा सकें हैं और उसी में अपने करियर को आप सेटल कर सकें। ये सभी चीज़ें तब अच्छी हो पाती है जब आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपने लिए करियर प्लान करते हो और उसी में अपने करियर को आगे बढ़ाने का डिसाइड करते हो, और ऐसा करना भी चाहिए। अगर आप अपने लिए अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करियर चूज़ करते हो और उसी में अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा के, उसी में अपनी पूरी ताकत लगा के, उसी में अच्छा कोर्स करके उसी में आगे आप बढ़ते हो, तो आपका लाइफ का जो ग्राफ है, सक्सेस ग्राफ है, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और आप अपनी लाइफ को सही टाइम पे, सही जगह पे पहुंचा पाते हो। ऐसा तभी हो पाता है जब आपने अपने लिए अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करियर चूज किया होगा। आप अगर चाहते हो कंप्यूटर की फील्ड्स में अपने करियर को बनाना, अगर 12th के बाद आपने अपना कॉमर्स कंप्लीट किया है, या आपने आर्ट साइड से अभी अपना 12th कंप्लीट किया है, या आपने साइंस से अपना 12th कंप्लीट किया है और अब आपका जो पूरा इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर सेक्टर्स में ही आपको अपना करियर को बिल्डअप करना है, तो इस वीडियो में आपको 5 करियर दे रहा हूं जिनकी डिमांड्स हर साल बढ़ रही है। आप अगर इन कंप्यूटर करियर्स में अपने करियर को प्लान करते हो और उसमें बनाते हो तो आप इनके जरिए अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो 5 करियर हैं कंप्यूटर सेक्टर्स के जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं और हर साल हर कंपनी में इन सभी करियर की जॉब्स ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आ रही है। तो आप भी प्लान करें, देखो वीडियो को लास्ट तक, नोट डाउन करो और उसके बाद जस्ट 12th के बाद डिसाइड करो कि इन 5 में से किसी एक करियर में आपको आगे बढ़ना है। नंबर 1 करियर है आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग का। जी हाँ, जिस तरीके से डिजिटल आज के डेट में हमारी हर चीज़ें हो रही हैं, इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के ऊपर हर सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर है और वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत तेज़ी से ग्रो अप कर रही है। आज के डेट में हर कंपनी अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग इंटरनेट के ऊपर करना चाहती है और वहाँ पे इंटरनेट मार्केटिंग के लिए सबसे बढ़िया जो प्रोसेस होता है वो डिजिटल मार्केटर्स का होता है। तो आप जस्ट अपना 12th के बाद अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करें और उसी में अपना करियर को बहुत अच्छे से प्लान करें तो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा अर्निंग के सोर्सेज हैं और अनलिमिटेड पैसा भी है। जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में आप अगर अपनी स्किल्स को बहुत अच्छे से शार्प करते हो, बहुत अच्छे से प्लान करते हो, बहुत अच्छे से अपने स्किल्स को डेवलप करते हो तो डिजिटल मार्केटिंग में ऐसी बहुत सारी स्किल्स है जिनके जरिए आप अपने लिए पैसा बना सकते हो, जॉब्स कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, अपना घर से काम कर सकते हो, एज ए फ्रीलांसर बन सकते हो। हर तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड्स में मिलती है और ये करियर हर साल लगातार बढ़ रहा है। जिस तरीके से डिजिटल स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है वैसे ये करियर बहुत तेजी से बूम कर रहा है और ये एक ऐसा करियर है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। आने वाले टाइम में और भी ज्यादा तेजी से टेक्नोलॉजीज आएगी और अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ में आपने अपने आप को सेटअप किया है तो कोई भी टेक्नोलॉजी आए आप उसमें अपने आप ही स्विच कर सकते हो, उसमें शिफ्ट हो सकते हो और उसके अकॉर्डिंग फिर अपने आप को तेजी से उसी फील्ड में आगे बढ़ा सकते हो। तो जस्ट 12th के बाद अगर आप चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप अपने करियर को बढ़ाना तो मेरे हिसाब से आपको 12th के बाद डिजिटल मार्केटिंग का करियर कंप्यूटर की फील्ड्स में चुनना चाहिए। नंबर 2 करियर है कंप्यूटर फील्ड्स के 5 करियर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं जिसमें नंबर 2 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में
आप अपना करियर बना सकते हैं। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और बहुत तेज़ी से आ भी रही है। आज के टाइम में हर चीज़ आर्टिफिशियल के हेल्प से आने वाली है और आने वाले टाइम में और आने वाले फ्यूचर में ये और ज़्यादा बढ़ेगा। जितनी तेज़ी से आप इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में अपने आप को सेटअप कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सही टाइम है, क्योंकि अभी ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है और कुछ हद तक आ चुकी है और अभी भी इसमें जॉब्स के और करियर के डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो जस्ट अगर आपने अभी अभी अपना 12th कंप्लीट किया है और आप कुछ क्रिएटिव है और आप चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बनाना, तो ये एक सही मौका और सही समय है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और इस सेक्टर्स में आगे बढ़ने का। अगर आप टाइमली इस पर्टिकुलर स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अच्छा कोर्स करें, इसमें आगे बढ़ें, तो आने वाला फ्यूचर कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और सालों साल तक ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो अप करेगी। तो मेरे हिसाब से जस्ट 12th के बाद आपको जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी देखना चाहिए। अब ये सारा डिसाइड आपको खुद करना है। मेरा काम है आपको जो ट्रेंडिंग करियर है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, उनके बारे में आपको जानकारी देना। आपको अपने इंटरेस्ट के मुताबिक खुद एक करियर को चूज करना है और उसी में अपनी पूरी ताकत को लगाते हुए उसी में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कोई भी ऐसी वजह नहीं होगी जो आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर में सक्सेस ना होने दे। नंबर 2 जो करियर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 3 करियर आप देख सकते हैं कंप्यूटर की फील्ड्स में ग्राफिक डिजाइनिंग का। जी हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग एक अनदर बहुत ही बेहतर करियर ऑप्शन है और ये एक ऐसा करियर है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो सारे करियर मैं इसमें आपको दे रहा हूँ ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, ये टाइम के हिसाब से अपने आप को बदलते रहेंगे, लेकिन इनकी डिमांड्स कभी खत्म नहीं होगी, अपडेशन आता रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, आईटी सेक्टर्स है, हर साल बदलता है, हर 3-3 महीने में इसकी लेआउट्स बदल जाते हैं, तो चीज़ें बदलती रहेंगी, लेकिन अगर आप उस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी, आप अपने आप को उनके मुताबिक एडजस्ट करते चले जाओगे। ग्राफिक डिज़ाइनिंग तीसरा बहुत बेहतरीन करियर है जहाँ पे आप जस्ट 12th के बाद आप जो है किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना 12th कंप्लीट किया है और आप क्रिएटिव हैं, आपको ग्राफिक्स में बहुत अच्छा लगता है, तो ग्राफिक फील्ड बहुत बेहतरीन फील्ड है, इसमें भी आप अपने करियर को बहुत अच्छे से बना सकते हो और एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बन के लाइफ में बहुत अच्छा पैसा आप बना सकते हो। तो नंबर 3 करियर आपको देखना चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। बात करेंगे नंबर 4 करियर की, जहाँ पे कि हम जस्ट 12th के बाद आपको इस पर्टिकुलर बीड ईयर में कंप्यूटर के फील्ड के 5 ऐसे करियर के बारे में बता रहे हैं जो हर साल जिनकी डिमांड्स कंपनीज में बढ़ रही है और सही टाइम है आपके लिए अगर आप अपने आप को इन करियर में सेटअप करें। नंबर 4 पे आपके लिए है वेब डेवलपमेंट का करियर। जी हाँ, कंप्यूटर्स में वेब डेवलपमेंट एक बेहतरीन करियर है। जस्ट आप जो है कोडिंग की हेल्प से आप वेब डेवलपमेंट में आके इंटरनेट में आप वेब डेवलप कर सकते हैं और जैसे जैसे इंटरनेट में जिस तरीके से इंटरनेट की डिमांड है वहाँ पे वेब डेवलपमेंट की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा है। आज के डेट में हर सर्विस को, हर प्रोडक्ट को अपने आप को मार्केट्स में अगर इंटरनेट के ऊपर लेके आना है तो उसका सबसे पहला प्रोसेस जो है वो उनकी वेबसाइट सी होती है। हर प्रोडक्ट को, हर सर्विस को अपने लिए वेबसाइट डेवलप करना होगा और उनके लिए वेबसाइट जो डेवलप करेगा वो एक वेब डेवलपर डेवलप करेगा। तो बेहतर करियर है, आपको अगर कोडिंग में अच्छा इंटरेस्ट है तो आप कोडिंग के ज़रिए वेब डेवलपमेंट में अपना करियर सेटअप कर सकते हो और आगे इसी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के बेस पे अपने करियर को बहुत तेज़ी से इसमें सेटअप कर सकते हो। तो नंबर 4 करियर होगा वेब डेवलपमेंट का। चलिए बढ़ते हैं, लास्ट जो करियर ऑप्शन है हमारे पास में कंप्यूटर फील्ड का वो है साइबर सिक्योरिटी में। जी हाँ, इंटरनेट के ऊपर जिस तरीके से यूज़र बढ़ रहे हैं और हर प्रोडक्ट, हर कंपनी के जो सर्विसेज हैं, जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट के ऊपर है, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी इंजीनियर्स की जो डिमांड्स है वो इतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बहुत ज़्यादा डिमांड्स है कि आज के डेट में हर कंपनी के अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज इंटरनेट के ऊपर हैं और उनकी सही तरीके से सिक्योरिटी और सही तरीके से वो इंटरनेट के ऊपर सेफ रह सकें उसके लिए आज के डेट में हर कंपनी को साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की ज़रूरत है।
तो आप अगर अच्छा क्रिएटिविटी के साथ में, आपने अगर साइंस बैकग्राउंड से कंप्लीट किया है ट्वेल्थ, तो आपको कोडिंग का बहुत अच्छा नॉलेज होगा और आप साइंस और स्ट्रीम के बदौलत आप साइबर सिक्योरिटी में अपने करियर को अच्छा डेवलप कर सकते हो। बहुत ट्रेंडिंग करियर है, बहुत तेज़ी से इस करियर की डिमांड बढ़ रही है और जिस तरीके से इंटरनेट यूज़र और टेक्नोलॉजी आ रही है, सारे कोर्सेज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छा करियर है जिसकी डिमांड्स भी लगातार बढ़ती ही रहेगी और ये करियर भी कभी थमने वाला नहीं है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके लिए 5 ऐसे कंप्यूटर करियर जिनको आपको जस्ट अपना 12th अगर आपने अभी कंप्लीट किया है तो आपको इन 5 में से किसी एक के बारे में ज़रूर प्लान करना चाहिए कि क्या आपके लिए इनमें से कोई एक करियर ऐसा है जिसके लिए आप बने हो। तो आप इनमें से एक करियर को चूज करें और उसी में आप आगे बढ़ें। चाहते हैं अगर आप कंप्यूटर के फील्ड्स में इन करियर में अपने आप को बहुत अच्छा से प्लान करना, तो आपके लिए इन सभी के लिए इनको प्रॉपर सीखना होगा, इनमें अच्छा कोर्स करना होगा। आप चाहते हैं इनमें कोर्सेज को करना, तो उसके लिए आप हमारे .NET इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में इन सभी कोर्सेज की ट्रेनिंग आपके लिए प्रोवाइड करता है। कोर्सेज की ट्रेनिंग के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं, वहां पे हमारे मोबाइल ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करें और ऐप के अंदर देखें कि ये सभी कोर्सेज आप घर से खुद ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन अगर लेना चाहते हैं तो दिल्ली बेस्ड आके ले सकते हैं या ऑनलाइन आप हाइब्रिड मोड में भी इन पर्टिकुलर कोर्सेज को घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए ऐप को डाउनलोड करो और वहां जाके उसके ऊपर सर्च आउट करो कि क्या इस कोर्स को आप हमारे थ्रू कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई ऐसा करियर है जो और ज्यादा डिमांड्स में है, तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट्स में बताएं जिसके जरिए हम उसको भी अपडेट कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।